हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम बना रहे हैं मोमोज, सबसे डिलीशियस मोमोज बनाने की रेसिपी। तो गाइस आप भी बनाइएगा और ये बहुत ही आसान बनता है, ज़्यादा स्ट्रीट फूड ज़्यादा अच्छा है। आप घर पर बना के खाओ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी आप भी बना सकते हो आसानी से घर पर विथ थोड़े बहुत ही इसका सामान लगता है। तो गाइस ये थे स्टेप्स मोमोज बनाने के, इन दी शॉर्ट मैंने दिखा दिया स्टार्टिंग में ही। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड और ज़रूर देखिएगा एंड तक। देखो फाइनली हमारा मस्त सा मोमोज रेडी होके क्या लग रहा है ना, बहुत ही यम्मी था गाइस। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कैसा रहा करके। तो या विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्टेड। आ रहा है ना मुँह में पानी। और ये लाल चटनी भी हमने घर में ही बनाया था गाइस, बहुत ही यम्मी था गाइस। और ये विद इन 20-30 मिनट्स का अंदर ही बन चुका था। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इधर आटा भी रेडी है, आटा मैंने लास्ट में गूंदने का दिखा दिया है। तो इससे पहले थोड़ा देर पहले ही मैंने इसमें नमक डाल के कैबेज में छोड़ दिया था, अभी पानी नहीं छोड़ देंगे उसमें से। देन अदरक और लहसुन छिला हुआ लेने का है गाइस, दोनों को अच्छे से कूट के लेने का है। आप थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें अदरक और लहसुन और प्याज को ऐड कर देने का है। मैं आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा, इसका ऐसा कुछ रहता है ऐसे कूट के, देन उसमें डाल दो। देन अभी बचा हुआ कुछ जो जो भी है अवेलेबल है आपका घर में वेजिटेबल्स, आप उसको बहुत ही फाइनली चॉप कर दो एकदम छोटा 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 टुकड़ों में। देन उसको मिक्स कर देंगे हम कैप्सिकम और कैरेट को डाल के। देन थोड़ा चिपक गया था गाइस तो इसके लिए मैंने उसमें तेल डाल दिया वापस से। देन वापस मिक्स कर देंगे। और ये ज़्यादा पकेगा तो भी, कच्चा रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टीम होता है ना तभी आसानी से ये पक जाता है वेजिटेबल्स जो भी है। और हमने कैबेज को भी इसको पानी निकाल दिया था वही नमक डाल के, लाइक बिफोर 5-10 मिनट्स पहले ही आप उसमें नमक डाल के छोड़ दो ढक्कन बंद करके, लाइक ऊपर प्लेट वेट कुछ बंद करके छोड़ दो। देन उसको पानी निकाल दो। देन सभी वेजिटेबल्स को ऐड करने के बाद में लास्ट में हम कैबेज को भी डाल दिए हैं। अभी नमक 1.5 स्पून और ये है काली मिर्च पाउडर जो कि 1.5 स्पून, बहुत ही छोटा स्पून था वो, आपको चाहिए तो ज़्यादा भी आप ऐड करके ले सकते हो। तो ये गाइस ये है मेन इंग्रेडिएंट जो मैं बोल रही थी। तो ये है सोया सॉस जो कि डार्क वाला आता है, एंड इसमें हम रेड सॉस भी ऐड कर देंगे, आपको चाहिए तो आप ऐड करके ले लो नहीं तो नहीं। ये थोड़ा बहुत चाइनीज़ का फ्लेवर देता है, बहुत ही मस्त रहता है। और इग्नोर इट गाइस, नहीं तो आप ओनली ब्लैक पेपर ऐड करके भी काम चल जाएगा, चाहिए तो आप ऐड करके ले लो एक्स्ट्रा स्वाद के लिए, बस ये सब डालना पड़ेगा। देन इधर हमारा इडली का बर्तन रेडी है, उधर पानी गर्म हो रहा है। देन साइड में हम उसको राउंड राउंड करके ऐसा शेप में मोमोज बना देंगे। आप मोदक शेप या फिर ऐसा क्या बोलते हैं उसको, दूसरा ऐसा शेप भी बना के ले सकते हो। देन आप इधर दिखा रहे हैं ना, हम वैसा बनाओगे तो बहुत ही आसान बनता है और फटाफट बन जाता है। तो गाइस एंड तक देखिएगा, ठीक है, बना के खाओ और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और अभी देख सकते हो इधर हमारा पानी गर्म हो चुका है, अच्छे से स्टीम हो चुका है, तो ये ज़्यादा देर नहीं लगेगा अगर अच्छे से स्टीम हो गया तो। पहले से ही 10 मिनट का अंदर ही बन जाएगा ये अच्छे से स्टीम हुआ है तो। देन हम इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे मोमोज का वो जो भी है फिल करके। देन वापस उसको थोड़ा सा बेलन से बेल देंगे। और इधर हमारा इडली का प्लेट है ना, उसमें ही हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं, लाइक तेल अप्लाई करके उसमें उसी में हम रख देंगे मोमोज, नहीं तो आप झाली जैसा आता है ना वैसा भी ले सकते हो। देन आपको ऐसा मोमोज का वो फिल करके देन ऐसा ऐसा फोल्ड करने का है, इस साइड है और उस साइड, देन दोनों को मिलाने का है ऐसा प्रेस करके। ये अच्छा शेप देता है,
ऐसा खाने लायक रहता है। अगर आप मोदक मोदक जैसे बनाओगे ना तो वो ऊपर से थोड़ा कच्चा रहता है जैसा मुझे पता है। अगर आप उसको अच्छे से पका दोगे तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो मोदक का शेप भी, पर मोदक जैसा बनेगा ना लाइक वो थोड़ा ऊपर से कच्चा रहता है जैसा जिधर तक मुझे पता है। तो भी एक एक करके हो गया। तो गाइस ये है आटा गूंदने का जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि हाँ आटा रेडी है, पर आटा रेडी नहीं था। सबसे पहले हम आटा को ही गूंद के लिए थे, मैदा और सॉल्ट थोड़ा ऐड करके देन थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको गूंदने का है अच्छे से। देन लास्ट में ज़्यादा चिपके ना इसलिए थोड़ा बहुत लाइक हाफ स्पून जितना तेल भी ऐड कर देने का है, तभी वो अच्छा बनेगा। क्या बोलते हैं उसका आटा, नहीं तो उतना अच्छा नहीं बनता है। वो मैदा है, मैदा को हमने लिया था 1 कप जितना, बहुत ही थोड़ा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं, तो बहुत ही यम्मी बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। इधर बैंगलोर में तो गाइस इसका प्राइस है 60 रुपीज़ टू 70 रुपीज़ में मिल जाता है गाइस, और आपके यहाँ कितना प्राइस है इसका मोमोज का? वो भी वो लोग कितना 6 या 5-6 ही कुछ देते हैं वो लोग, उसके लिए वो लोग उतना लेते हैं। और आपके यहाँ कितना मिलता है इस मोमोज का प्राइस बताओ मुझे इसका। देन देखो अब आटा रेडी हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट, एक ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहने का, और ये गाइस आटा ज़्यादा नरम नरम भी नहीं रहने का है, थोड़ा